Thank mm -hmm. तो फ्रेंड्स हमारी सवारी चल पड़ी है ओशन पिज्ज़ा की तरफ एक मज़े की बात बताऊं चाहे रियल पेपरिका हो या हो पापा लुइस फ्रेंड्स मेरे घर से सारी ही चीज़ें सिर्फ पांच मिनट की दूरी पर हैं तब तक आप जान ही गए होंगे मैं कहाँ रहती हूँ आज का ये व्लॉग है स्पेशली भुज का मेरे भुजवासियों के लिए तो फ्रेंड्स फ़र्स्ट टाइम हम लोग ओशन पिज्ज़ा में जा रहे हैं और वहाँ पहुँच मैं आपको दिखाने वाली हूँ के कैसा है उसका इंटीरियर खाना वगैरह सब कुछ तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स और ये हम पहुंच चुके हैं श्री क्षेत्रपाल प्राइम और यहीं पे है ओशियन पिज्ज़ा तो फ्रेंड्स चल पड़े हमारी सवारी ओशियन पिज्ज़ा की तरफ तो ये फर्स्ट फ्लोर पर है और मेरी बेटियां बहुत ज़्यादा खुश हैं उनको बाहर खाना बहुत पसंद है तो खुशी खुशी से वेट कर रही थी वो लोग कि कब हम जाएंगे यहाँ पर और ये हम आ चुके हैं और ये लिफ्ट भी आ गई है तो हम जा रहे हैं फ़र्स्ट फ्लोर पर और चलिए लिफ्ट हो गई बंद और हम पहुँच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर तो ये चले हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और ये इमाम बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उसको बाहर खाने का मिल रहा है बहुत ज़्यादा चटोरी है ये हर रोज़ कुछ ना कुछ नया खाने को चाहिए तो हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे ये हमें मिल गया है टैग मील ऑफ द किंग का और ये देखिए फ्रेंड्स ये अंदर का इंटीरियर वाज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग बहुत ही स्पेशियस है और बहुत ही कन्वीनियंट है कंफर्टेबल सीट्स है यहाँ की और एटमॉस्फेयर तो मैं क्या ही बताऊँ बहुत ही अच्छे से सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे और माहौल भी बहुत ही अच्छा था तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सीट मिली है तो हम आ गए हैं यहाँ पर और ये देखिए ये है लाइफ चार्ट काउंटर और ये मेरी बेटी जो है वो इधर आ चुकी है वो भी बैठ गई है और चलिए अब हम चलते हैं प्लेट्स लेने के लिए तो ये एक बार फिर से मैं आपको सही तरीके से पूरा ही दिखा देती हूँ ये देखिए ये अंदर का व्यू है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये और हम लोगों ने ये फर्स्ट टाइम विजिट किया है और आपको भी विज़िट ज़रूर से करना चाहिए ये मोइतो है ग्रीन मोइतो ब्लूबेरी ब्लू बेरी तो, और फ्रेंड्स छाछ जो कि कच्चियों की जान है गुजरातियों को छाछ के बग़ैर नहीं चलता है और फ्रेंड्स डिशेस तो मैं क्या ही बताऊं मोर देन हंड्रेड डिशेस थी साउथ इंडियन चाहे पंजाबी चाहे इटालियन हो चाहे चाइनीज़ हो चाहे गुजराती हो जो भी आप खाना पसंद करते हैं यहाँ पर आकर आपको अपनी चॉइस का खाना मिल सकता है और ये यह देखिए यहाँ पे स्वीट्स है ये है लाइफ काउंटर साउथ इंडियन डिशेस के लिए बहुत सारी वैराइटीज है यहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस की और ये पूरा ही व्यू देखिए यहाँ पे स्वीट्स रखी हुई है जैसे कि जलेबी वगैरह और ये है चाट काउंटर और ये मेरी बेटी यहाँ पर घूम रही है मज़े कर रही है एक्चुअली और ये देखिए फ्रेंड्स कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह जो भी आप चाहें जितना भी चाहें अनलिमिटेड है इसका प्राइस रेशियो है अराउंड थ्री एटी प्लस जीएसटी है और uh, क्योंकि पेमेंट तो मैंने नहीं किया इसलिए मुझे पक्का याद नहीं है और ये मेरे हस्बैंड टूट पड़े हैं क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये ब्लूबेरी मॉकटेल या मोइतो है तो ये उठा रहे हैं और ये बन रही है हमारी मटर आलू टिक्की चाट तो फ्रेंड्स मैं भी चाट की दीवानी हूँ और मुझे ये चाट बहुत ज़्यादा पसंद आई बहुत ही यमी बनी थी तो ये हम लाइव देख सकते हैं गर्मा गर्म बना कर वो हमें देते हैं ये पूरा ही अंदर का एटमॉस्फेयर है अंदर का व्यू है बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर का भी और ये देखो खुश खुश हो गई है क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं प्लेट्स लेने के लिए तो अनलिमिटेड है यहाँ पर और किड्स का कुछ अलग चार्ज है कम्पेयर टू अडल्ट किड्स का चार्ज कम है और ये देखिए फ्रेंड्स मज़ेदार सी मुँह में पानी आ जाए वैसे यहाँ पर वेराइटीज़ अवेलेबल है सच में बहुत ही मज़ा आया वैसे रिव्यूज़ हमने कुछ नेगेटिव्स भी देखे थे लेकिन यहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है खास जो चटोरे हैं उनके काम की चीज़ है और मेरी बेटी यहाँ पर चाट बना रही है कुछ कर तो रही है यहाँ पर और ये देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मैं दिखा देती हूँ तो यहाँ पे अराउंड फोर टाइप्स के सूप अवेलेबल थे गर्मा गर्म और ये है ये देखिए मंचूरियन नूडल्स नूडल्स भी बहुत सारी वैरायटीज में थे फ्राइड राइस भी बहुत सारी नियर अबाउट फोर टू फाइव वैरायटीज में थे और नूडल्स चाइनीज़ भेल अवेलेबल थी ये दाल चावल अवेलेबल थे पंजाबी डिशेस जैसे कि पनीर है मिक्स वेज है ये भी अवेलेबल थे तो फ्रेंड्स ना यहाँ पे हर कोई इंसान अपने टेस्ट के हिसाब से खा सकता है जिसको जो भी पसंद है अगर हम फैमिली के साथ आ रहे हैं तो जिसको जो पसंद है वो वैरायटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है और एंजॉय कर सकता है ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी बेटी आपको सब दिखा रही है काइंड ऑफ वेराइटीज़ हम गिन भी नहीं सकते हैं और सिर्फ टेस्ट करेंगे ना तो भी सब चीज़ें टेस्ट नहीं कर पाएंगे इतनी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल थी तो ये व्लॉग तो मैंने ज़रूर बनाना था क्योंकि मैं वेट ही कर रही थी यहाँ जाने के लिए एंड आई वॉज़ रियली ईगर टू गो देर और ये देखिए फ्रेंड्स ये दाल चावल है जैसे आप इन्जॉय करना चाहें जो भी आपका मन करे वो आप खा सकते हैं ये देखिए स्वीट्स भी बहुत ही अच्छी और टेस्टी थी जलेबी तो बहुत ही मज़े की थी और ये देखिए यहाँ पे पकोड़े हैं जलेबियाँ हैं ब्रेड है, है, है पानीपुरी है पापड़ी चाट है पापड़ है फ्राइम्स है जो भी आपका मन करे और ये सारी चीज़ें ना टॉपिंग्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं चाट बनाने के लिए और ये हो गए हैं कोल्ड सैलड्स तो जो भी कोल्ड सैलड आप पसंद करें वो यहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं और इसी के पास में है लाइफ काउंटर मटर आलू टिक्की चाट का फ्रेंड्स ये रही देखिए यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया था दो प्लेट का तो ये आलू टिक्की चाट भी हमारे लिए यहाँ पे बनकर रेडी हो चुकी थी ये देखिए ये जो भाई है वो सर्व कर रहे हैं मज़े की आलू टिक्की चाट बहुत ही यमी बनाई थी इन्होंने और ये हमारी दूसरी प्लेट भी रेडी हो रही है मटर आलू टिक्की चाट की तो फ्रेंड्स ये रेडी है हमारी प्लेट विथ ग्रीन एंड ब्लू बेरी तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मज़े लिए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा खुशी इसी को और मेरी छोटी बेटी को होती है बाहर आने की और बाहर ये डिनर करने की हम ज़्यादातर डिनर के ही टाइम पे बाहर जाते हैं लंच टाइम में कम प्रेफर करते हैं और ये मेरे हस्बैंड इनको स्टार्टर में सूप तो चाहिए ही चाहिए ये देखिए ये फोर टाइप्स ऑफ सूप है यहाँ पर आप जो भी पसंद करें वो ले सकते हैं और ये मंचूरियन तो फ्रेंड सच बताना किस किस के मुँह में पानी आ रहा है ज़रूर से बताइएगा और कमेंट करना भूल जाते हैं ना आप फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट करने में कहाँ आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट करिए लाइक दे दीजिए मेरे वीडियो को और ये आ गई है नूडल्स तो फ्रेंड्स आपको कौन सी वाली नूडल्स पसंद है और ये आ गए थोड़े से फ्राइड राइस तो ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए प्लेट बना रहे थे उनको पता ही है कि मुझे क्या क्या पसंद है और ये काइंड ऑफ चाइनीज़ भेल है इसमें फ्राइड नूडल्स थे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और एक स्मोकी सा फ्लेवर था इसके अंदर बहुत ही टेस्टी थी और ये तो नहीं चाहिए ये पास्ता पास्ता भी मैं मुझे बहुत पसंद है और यही वाले पास्ता मुझे अच्छे लगते हैं तो पापा लुइस में भी जब भी जाती हूँ तो यही वाले पास्ता उठाती हूँ मैं और ये फ्राइड राइस की एक दूसरी वेराइटी काइंड kind ऑफ of ए मिक्स पुलाव है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ का व्यू तो सारा ही व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कोल्ड सेलेड्स हैं यहाँ पर लाइव काउंटर्स है चाट काउंटर है साउथ इंडियन का लाइव काउंटर है और फ्रेंड्स जैसे ही स्टार्टर हमने खा लिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो ये पूरा ही मील इसमें आ जाता है स्टार्टर्स प्लस पिज़्ज़ा और लास्ट में आइसक्रीम तो आइसक्रीम भी अनलिमिटेड है और पिज्ज़ा नियर अबाउट सिक्स टू सेवन टाइप्स ऑफ पिज्ज़ास थे यहाँ पर और सभी ही टेस्टी थे मैं नहीं बता सकती कौन सा ज़्यादा टेस्टी था मुझे सारे ही अच्छे लगे और ये देखिए छोटू वाली जो मेरी है उसको खेलना बहुत पसंद है वो कहीं भी जाएगी उसको दौड़ा दौड़ी करने को चाहिए सबके काउंटर पे जा जा के देखेगी कौन क्या खा रहा है क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लगता लेकिन बच्ची है तो उसे इन्जॉय करने देते हैं हम और ये मेरी दोनों ही बेटियाँ यहाँ पर खेल रही है और ये ऊपर से आउटसाइड का व्यू है आप देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर है सॉरी सेकेंड फ्लोर पर है और इसके एग्जैक्ट नीचे ना फ्रेंड्स काकेदी हट्टी खुलने वाला है तो यहाँ पे भी हम जरूर से विज़िट करेंगे इसका भी व्लॉग मैं ज़रूर से बनाऊँगी ये देखिए ये मेरी छोटू नटखट हर टाइम मस्ती है इसको और ये मेरी बड़ी वाली ये बहुत ही शांत है दोनों ही मज़े हैं दोनों को मज़े आ रहे हैं बहुत ही और ये देखिए यहाँ का व्यू है टेरेस एरिया है ओपन टेरेस आप वहाँ भी जाकर खा सकते हैं एक ये हट टाइप का बना हुआ है अगर आप पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग से आप बैठ सकते हैं और ये पूरा ही बहुत स्पेशियस है और आप एक बार आएंगे विजिट करेंगे तो आप खुद ही बताएंगे तो बस चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं आइसक्रीम का जो वीडियो था वो स्किप हो गया है तो आइसक्रीम थ्री टू फोर टाइप्स की थी और सारी ही अनलिमिटेड थी जितनी चाहे उतनी खा सकते हैं और ये पेट पूजा करके अब हम लौट रहे हैं हमारे घर की तरफ फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे काकेदी हट्टी ये खुलने वाला है यहाँ पे भी हम जरूर से इन आएंगे और आपको ये व्लॉग भी मैं शेयर करूँगी तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग